मुख्यमंत्री सरकारी आवास ओकओवर के बाहर मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों के हाथ पैर उस समय फूल गए जब संजौली के दो लोग बिना परमिशन मुख्यमंत्री आवास के बाहर आकर धरने पर बैठ गए। शिमला के ढली उपनगर में टायर पंचर की दुकान चलाने वाले सुदेश कुमार की दुकान का रास्ता दंगा लगने की वजह से बंद हो गया है। इससे पहले भी वे शिमला उपायुक्त कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने सुदेश कुमार और भीम आर्मी के चीफ रवि कुमार को हिरासत में ले लिया। इस दौरान सुदेश कुमार ने कहा कि प्रशासन जानबूझकर उनकी बातों को अनसुना कर रहा है। बार बार अपील करने के बावजूद उनकी दुकान का रास्ता खोला नहीं जा रहा, इसकी वजह से उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। सुदेश कुमार ने कहा कि अपनी बात मनवाने के लिए संघर्षरत रहेंगे। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति किसी को भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, ऐसे में इन्हें हिरासत में लिया गया है। नमस्कार, हिमाचल अभी भी देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपको। आपको बता दें कि यहाँ पर ये पहले आया अपनी मांग को लेकर उस वक्त इसकी बात सुने, सबसे बड़ी यहाँ पर रोया, दंगा लगाया गया है, वो इनकी दुकान के बाहर लगाया गया है। देखो लेकिन लोकतंत्र यही क्या तरीका है यार, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार बैठी महाराज, कोई सुनता ही नहीं है। तो आप इससे पहले भी आपसे बातचीत नहीं हुई किसी की? बातचीत महाराज, रास्ता नहीं बना रहे, रोजगार बंद किया। तो गलत है, इसके बाद क्या कदम रहने वाला है? अगला कदम दोबारा बैठेंगे जब तक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। गलत है, बिल्कुल मांग जायज है, मांगिए जाके प्रशासन के पास जाएंगे। आप लोग दोबारा।